नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। राज्य महिला आयोग की सदस्य शशि मौर्या ने बुधवार को डाक बंगले में महिलाओं की समस्याएं सुनी। यह समस्या बुधवार व गुरुवार दो दिनों तक सुनी जाएगी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं व उनके पतियों को बुलाकर समझौता भी कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए व पीड़ित महिलाओं की मदद की जाए। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री, महिला थाना अध्यक्ष भी मौजूद रही, तो वहीं प्रोबेशन अधिकारी संतोष सोनी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिला अपराध को से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएँ। इसमें जो भी कोई दोषी या पुरुष जो गड़बड़ी करते पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सूचना उपलब्ध कराई जाए। अरे भाई, वहाँ किसी प्रकार से कर ले रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार से कर क्या करेंगे। यहाँ तो आपके बहुत प्रकार है, जमीन जायदाद भी बच जाएगी, बच्चों की जिंदगी बच जाएगी, बर्तन मरेंगे हमारे तो कहीं नहीं। उसको 5-6 बिस्सा है, उस जमीन को बेच रहे हैं उनके नाम से, क्या किया जाए? बच्चे कैसे रहेंगे? हमसे 10,000 रुपया महीना वो मांगा। कुछ ना बात नहीं, कुछ नहीं, हम तो साथे दहा तो जोन हम 50 रुपया। हम कहीं किसी प्रकार खा जी लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो सही चीज है, हम वो जान के आए पिए हैं। शराब कोई मेरा वो भाई है, उसके लिए कैसी जो खाना न दो, पानी न दो, या तो मतलब ऐसा मैडम इसे पूछिए, ये बुलाते फोन करके 10-15 दिन रहते हैं हम, वो भी 10-15 दिन के रहते हैं, कभी खाना नहीं देते हैं, जुगाड़ कर यहाँ से वहाँ से लाते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं। महिला आयोग के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम जनपद में लगा हुआ है, जिसमें अभी जन सुनवाई में 4 केस हमारे सामने आए हैं। पति पत्नी का मामला है, लोगों को आपस में बैठाकर समझाया जा रहा है, समझा बुझा कर उसको मतलब हम लोगों का ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारित कर दिया जाए, और अगर नहीं होता है तो फिर अगली सुनवाई में दोनों पार्टी को फिर से बुलाया जाता है, दोनों पक्ष को। जो महिलाओं में अपराध बढ़ रहा है, चाहे घरेलू हिंसा का मामला हो चाहे बाहर का हो, सरकार प्रयास कर रही है लेकिन इसमें कमी नहीं आ रही है, कारण क्या है इसका? देखिए, सरकार का तो पूरा प्रयास है कि कहीं भी हिंसा न हो, लेकिन अब पति पत्नी का जो मामला है वो आपस में आपसी समझौता से ही निपट सकता है, और समाज में कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं जिसको कहा नहीं जा सकता है कि सरकार हर तरह से कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। यहाँ तक कि बलात्कार के केस में फांसी की भी सजा निर्धारित हो गई है, फिर भी विकृत मानसिकता के लोगों को समझाने का कैसे प्रयास किया जाए ये कहना बहुत कठिन है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।